to record a video, or you can buy some souvenirs. It's up to you. Bus. लोग जापान से के लिए आए हैं और चलिए देखते हैं ये सारा लगा कर इधर आइए। तो साथियों, सबसे पहले हमें दिया गया एक प्याला जिसमें ग्रीन टी पाउडर था और साथ में एक ब्रश जैसा लकड़ी का बना हुआ जिससे हम उसको खूब मथेंगे और मथने के बाद उसको हम पियेंगे और साथ में एक मीठा, क्योंकि जापानीज लोग ग्रीन टी के साथ मीठा पहले खाते हैं। एक मीठा होता है चावल का बना हुआ जो कुछ नमकीन और मीठा दोनों होता है, जिसको आप देख रहे हैं छोटे से पैकेट में, ये है मीठा। तो इसमें तो सॉल्टेड और स्वीटनेस दोनों है, तो जापानीज लोग मीठा खा के ही चाय पीते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग चाय को बनाते हैं। तो देखिए सारा, तो साथियों जो सामने मैडम दिख रही हैं वो जापानीज चाय यानी ग्रीन टी चाय बनाने की एक्सपर्ट हैं। वो हमको बताएंगे कि जापानीज ग्रीन टी को कैसे बनाए, कैसे पीते हैं, वो सारा तरीका हमको बताएंगी। सबसे पहले कुछ जापानीज प्रार्थना प्रेयर करेंगे, पीने के चाय पीने के पहले कुछ प्रेयर, छोटी सी प्रेयर करेंगे। तो प्रार्थना के बाद अब हम उस मिठाई को, जो छोटी सी मिठाई हमें दी गई है, पहले उसको, उस स्वीट को हम पहले खाएंगे। तो ये चलिए चलते हैं, इस स्वीट को खा लेते हैं। तो साथियों ये स्वीट को हमने खाया और ये दरअसल चावल से बना हुआ, चावल को खूब पीट के बनाया हुआ है और जैसा बताया था हमने कि हल्का नमकीन सॉल्टेड और स्वीटनेस ज़्यादा है, बहुत कम नमकीन, हल्का सा नमकीनपन और मीठा ज़्यादा। और ये चावल को, पके हुए चावल को खूब पीटते हैं लोग, पत्नी जो पीट के उसको फिर उससे रबर जैसा बना लेते हैं, फिर ये स्वीट तैयार करते हैं। साथियों ये ऊपर से चावल का है लेकिन अंदर से स्टफ किया हुआ, मीठा स्टफ किया हुआ है, कुछ भरा हुआ है। तो हमारे प्याले में जिसमें ग्रीन टी पाउडर था उसमें गर्म पानी डाला गया है कुछ, और साथ में बताया गया है कि जो ब्रश टाइप का लकड़ी का है उससे खूब आप उसको मथिए ताकि एकदम बबल्स आ जाए। तो हम उसको खूब मथ के उसको बबल्स लाएंगे और देखिए अब मथ रहे हैं हम। जितना मथेंगे बबल्स, जितना बढ़िया बबल्स आएगा उतनी अच्छी ग्रीन टी मानी जाएगी। Okay,
बबल आ गया। थैंक यू। इसको इतना मथना है और मथने के लिए ना कि एकदम से दही में से निकल जाता है, घी निकल जाता है, मक्खन निकल जाते हैं, वैसे इसको मथना है। अरे गज्जा खूब जो है ठंडे जाए तब पिएंगे। हमारा पति ये गज्जा ढेर सा जब बबल है ठीक है। और हमारे प्याले में अच्छी खासी बबल आ चुकी है, अब टाइम आ रहा है इसको पीने का। तो साथ ही हमारी ये ग्रीन टी तैयार हो गई है और हमने देखे सबसे पहले इसको पीने का तरीका ये है, जैपनीज ग्रीन टी का दे बाउल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और दोनों हाथों से पकड़ के ही मुंह की तरफ लगाएंगे, ओठ पे लगाएंगे और फिर इसको पियेंगे। और देखिए जैसे हमने पकड़ रखा ये अभी नहीं किया हमने, और देखिए दोनों हाथों से हमने पकड़ रखा ये, हमने इसको ग्रीन टी को पी लिया। इसका स्वाद कुछ चाय पत्ती का, चाय की पत्ती का भी स्वाद है, साथ में कुछ कच्ची पत्तियाँ होती हैं, इस तरह की कच्ची पत्तियाँ का एक स्वाद होता है, उस तरह का भी स्वाद है और साथ में चाय का भी स्वाद है, अच्छी है, ठीक है और काफ़ी हेल्दी चाय है ये, जबकि ग्रीन टी को बहुत पसंद करते हैं। तो साथियों इस तरह हमारी जैपनीज ग्रीन टी सेरेमनी का प्रोग्राम ख़त्म हो, यानी कि माचा टी एक्सपीरियंस, माचा टी एक्सपीरियंस का समापन हुआ और चलते हम अपने आगे गंतव्य की तरफ। तो साथियों आखिरकार माउंट फुजी का दर्शन हो गया, सामने देखिए माउंट फुजी बहुत दूर। साथियों तो इस वक्त हम खड़े हैं लेक यानी कि तालाब कावागुची के पास, ये कावागुची माउंट फुजी के सामने ही है। माउंट फुजी आप देख सकते हो, माउंट फुजी उंगली के ठीक सीधे माउंट फुजी दिख रहा है, क्योंकि गर्मियों का महीना है इस वक्त जापान में, इसलिए वहाँ आए थे, वरना ये ऊपर का पीक जो है आपको सफ़ेद दिखता और बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, सारी बर्फ पिघली हुई है, इसलिए वो ऐसा दिखता है। तो ये माउंट फुजी और करीब 150 किलोमीटर टोक्यो से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये है माउंट फुजी का पानी दोस्तों, ये माउंट फुजी लेक कावागुची। तो यहाँ से कावागुची लेक से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं, अब कोई विलेज है पास में, नाम तो बताएगी लेडीज, नाम हकोनी क्या है थी, तो वहाँ खाना खाएंगे अपने पैसे से, क्योंकि इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है, पैकेज में सिर्फ जो है ये सारी चीज़ें थी, और अपने से खाना खाएंगे, चलते देखते हैं क्या खाने के लिए वहाँ अवेलेबल है। तो साथियों हम यहाँ से अब जा रहे हैं बस से आगे के सफ़र की तरफ, यानी कि एक गांव है जैपनीज जिसका नाम ओशिनो हकाई विलेज, यानी ओशिनो हकाई गांव, वहाँ जाएंगे और वहीं पर हम थोड़ा सा गांव का नज़ारा करेंगे, देखेंगे जैपनीज गांव कैसे होते हैं, और साथ में वहाँ पर हम खाना भी खाएंगे,
लेकिन खाना हम अपने पैसे से खाएंगे, क्योंकि हमारा खाना, हमारा डिनर जो है, सॉरी लंच हमारा इंक्लूड नहीं है हमारे पैकेज में, तो सेल्फ हम खाएंगे और कुछ स्ट्रीट फूड का स्वाद लेंगे। तो चलिए चलते हैं ओशिनो हकाई विलेज।